अगर मैं आपको कहूं कि आपको अपने घर पे अब से छत लगवाने की जरूरत नहीं है, और जितना खर्चा आप अपनी छत बनवाने में करते हैं, उस पर लेंटर डालने में करते हैं, उस खर्चे से भी आधे खर्चे में आपके घर पे एक मजबूत छत लग जाए, और ये छत इतनी पावरफुल हो कि आपके घर में एसी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, इंडक्शन है, समरसेबल पंप है, घर के जितने लोड हैं वो सारे लोड 24 घंटे आप चला पाए, बिजली का कनेक्शन की आपको जरूरत ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? निश्चित तौर पे आप बोलेंगे कि ऐसा पहली बात तो संभव है नहीं, और अगर संभव है तो ये कैसे संभव है। पिछले कुछ दिनों से मेरी कई सारी YouTube वीडियोज पे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने ये कमेंट किया कि सर सोलर रूफ टाइल्स के बारे में हम लोगों को जानना है, सोलर रूफ टाइल्स क्या है, अगर हम अपने घर पे ये टाइल्स लगवाना चाहें तो कहाँ से लगवा सकते हैं। आजकल टेस्ला का सोलर रूफ टाइल्स काफी पॉपुलर है, तो हमें इस बारे में पूरी जानकारी दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सोलर रूफ टाइल्स के बारे में, सोलर रूफ टाइल्स क्या होती हैं, कौन कौन कंपनियां सोलर रूफ टाइल्स बनाती हैं, सोलर रूफ टाइल्स का एडवांटेज क्या है ट्रेडिशनल सोलर पैनल के मुकाबले, कितनी कीमत में और कहां से अगर आप ये सोलर टाइल्स लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, इसकी क्या प्रोस हैं और क्या कॉन्स हैं, ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आखिर सोलर रूफ टाइल्स होती क्या है। तो जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि रूफ की टाइल है, और सोलर पैनल के जो एडवांटेज होते हैं वो सारे एडवांटेज आपको टाइल्स के साथ इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो रूफ टाइल्स हैं इनकी जरूरत ही क्यों है और किस चीज से मिलके बनी होती है। तो उन लोगों को ये सोलर रूफ टाइल्स की जरूरत पड़ती है कि जो लोग कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड रहना चाहते हैं, जिन लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं लेने हैं, और जो लोग ऐसा चाहते हैं कि उनकी छत भी बन जाए और उनको सोलर से एनर्जी भी मिल जाए। तो ये सोलर रूफ टाइल्स ग्लास सोलर और स्टील रूफिंग टाइल्स से मिलके बनी होती है। डिफरेंट टाइप के कलर में आपको टेस्ला की सोलर रूफ देखने को मिल जाएंगी, जिसमें ब्लैक, स्लेटी और टस्कन कलर शामिल है। तो अगर मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू इसका दूं कि किस किस मटेरियल से बन के ये टाइल्स बनती हैं, तो इसमें चार जो मेन चीजें हैं उनका यूज किया जाता है, जिसमें ग्लास, पॉलीमर, फाइबर ग्लास और सिलिकॉन होता है। तो ये तो इसका फ्रंट पार्ट हो जाता है, और इसके बैक साइड में स्टील की टाइल्स लगी होती है। अब अगला सवाल आपका ये होगा कि किस किस साइज में ये अवेलेबल है और कितने कितने वॉट में ये अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, 45x15 के साइज में आपको ये टाइल देखने को मिलती हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीन कलर ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब चूंकि टेस्ला एक इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी कंपनी है, और ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने के लिए एक बहुत फेमस कंपनी है, तो जैसे कि कार में ये अपने डिफरेंट टाइप के मॉडल्स बनाते हैं, जिसमें बेस मॉडल होता है, इसके बाद में सेकेंड मॉडल होता है, एक फिर फर्स्ट मॉडल कंपनी उसका बनाती है, और एक टॉप मॉडल कंपनी अपनी कार्स का बनाती है। मतलब मोस्टली कार के सेगमेंट में आपको चार ये जो मॉडल्स हैं देखने को मिल जाते हैं। तो सेम इसी फार्मूले को टेस्ला ने यहाँ पे अप्लाई किया है। टेस्ला ने यहाँ पे अपने चार डिफरेंट, जिनकी जो वोल्टेज है वो भी डिफरेंट है, और जिसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, और डिफरेंट जो है इसकी इफिशियंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो बात करते हैं कि जो टाइल्स है ये किस सोलर पैनल से मिलके बनी होती है। तो टेस्ला सोलर रूफ इंटर डिजिटेड ब्लैक कॉन्टैक्ट, जिसको IBC बोला जाता है, उस सेल से मिलके बनी होती है। ये IBC सोलर सेल मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन से मिलके बने होते हैं। अब टेस्ला के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, और वीडियो में आगे मैं आपको इनकी प्राइसिंग भी बताऊंगा, पर मॉडल वाइज आपको प्राइसिंग भी बताऊंगा, और साथ ही आपको ये बताऊंगा कि टेस्ला के अलावा भी और कौन कंपनियां हैं जो इस तरह की सोलर रूफ टाइल्स बनाती हैं। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। तो टेस्ला ने इसमें चार मॉडल्स बनाए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसमें जो पहला मॉडल है वो है स्मूथ ग्लास का, और स्मूथ ग्लास जो है ये एक बेसिक मॉडल है टेस्ला का, जिसकी इफिशियंसी करीब 70% तक होती है।
इसके अलावा दूसरा जो मॉडल है इनका वो है फ्रंट स्लैट का। इस मॉडल में आपको टेक्सचर जो है वो ग्लास सरफेस देखने को मिल जाएगा, मतलब आपको डिफरेंट टाइप के टेक्सचर भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। और ये दिखने में बिल्कुल जैसे हमारा ट्रेडिशनल स्लैट रूफिंग होती है उसी तरह का ये दिखेगा। इस वाले जो मॉडल है इसकी इफिशियंसी करीब 18% बताई जा रही है। इसके साथ ही इसमें तीसरा मॉडल आपको मिलता है टस्कन का, और ये टस्कन मॉडल जो है ये इनका एक प्रीमियम मॉडल है जिसमें आपको टेक्सचर्ड ग्लास सरफेस देखने को मिल जाता है। और इसकी स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें टेराकोट की रूफिंग की गई है। इफिशियंसी की बात करें तो 19% इफिशियंसी आपको टस्कन मॉडल में देखने को मिलती है। तो ये जो टस्कन मॉडल है ये इनका टॉप मॉडल है। इसी के साथ एक चौथा मॉडल जो बनाते हैं वो टेक्सचर्ड ग्लास का बनाते हैं। तो ये टेक्सचर्ड ग्लास मॉडल इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, और जो इफिशियंसी है इसकी वो इफिशियंसी 17% से 19% के बीच में हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है और इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है। तो इस सोलर रूफ टाइल्स का जो एडवांटेज है, जो सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है कि आपको अगर अपनी छत बनानी ही है तो लेंटर की बजाय अगर आप सोलर रूफ टाइल्स से छत बनाते हैं तो आपको उतनी ही कीमत में फ्री में सोलर एनर्जी मिल जाती है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि लुक वाइज ये बहुत खूबसूरत लगता है, और दिखने में फर्स्ट एपीजेंस में आपको दिखने में ये लगेगा कि ये कोई सोलर पैनल नहीं है, ये जैसे ट्रेडिशनल स्लैट्स हम लोग डालते हैं तो उसी तरह की ट्रेडिशनल स्लैट्स आपको दिखने को मिलेंगी। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े शॉकिंग टाइप के होते हैं, तो ऐसे लोग अपने लुक्स को कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस बन जाती है। सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि ग्रीन एनर्जी आपको मिल रही है। अब इसकी थोड़ी सी टेक्निकल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में ये है कि इसकी जो पर प्लेट है वो करीब 40 वोल्ट से लेकर 70 वोल्ट तक बना सकती है। एम्पियर की अगर हम लोग बात करें तो 10 एम्पियर से 25 एम्पियर तक आपको पर प्लेट में देखने को मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला मॉडल चूज किया है। अब इसकी इंस्टॉलेशन में ट्रेडिशनल सोलर पैनल के मुकाबले ज्यादा खर्चा आता है क्योंकि इस सोलर टाइल्स को ट्रेडिशनल सोलर पैनल की तरह नहीं लगाया जाता। इस टाइल्स के बैक साइड में आपको इसमें इंटरकनेक्टर मिलते हैं जिनसे आप एक स्लैट को दूसरे स्लैट तक सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। जो फाइनल इनका आउटपुट निकल के आता है उस आउटपुट को एक DC-to-DC कन्वर्टर के थ्रू जो ट्रेडिशनल इन्वर्टर है उसमें डाला जाता है, और दिन भर आप पूरा सोलर से अपना लोड चला सकते हैं, और नाइट के टाइम में बैटरी बैंक है, बैटरी बैंक को इस्तेमाल करके आप नाइट का लोड चला सकते हैं। तो 24 आवर्स का एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इन सोलर रूफ टाइल से देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट वाइज की, इनकी कॉस्ट जो है वो कितनी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो पर वॉट के हिसाब से नहीं आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर स्क्वायर फिट के हिसाब से इसको आपको कॉस्ट देखने को मिलती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 17-20% तक की इफिशियंसी आपको यहाँ देखने को मिलती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 1x1 फीट के एरिया में आपको 170-200 वाट तक का प्रोडक्शन देखने को इससे मिलता है। तो यहाँ पे पर वाट का खेल नहीं है। तो जो टेस्ला की ऑफिशियल जो प्राइसिंग है उसकी प्राइसिंग में स्मूथ ग्लास वाला वर्जन है जिसकी इफिशियंसी है 17%, वो है $21.85, और जो फ्रंट स्लैट है उसकी इफिशियंसी है 18% और जो प्राइसिंग है वो है $24.85, और इसका जो टस्कन मॉडल है जिसकी इफिशियंसी 19% है उसकी जो कीमत है वो है $26.85, और जो मैंने लास्ट वाला आपको बताया टेक्सचर्ड ग्लास जिसकी इफिशियंसी 17-19% कंपनी क्लेम कर रही है उसकी कीमत है $21.85। और ये सारी जो प्राइस है ये पर स्क्वायर फिट के प्राइस है ना कि पर वॉट के प्राइस है। अब आपका सवाल ये होगा कि मैं हिंदी में ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं प्राइस जो है वो डॉलर में क्यों बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स प्राइस डॉलर में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस प्रोडक्ट को इंडिया में कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती है, इस प्रोडक्ट को सिलेक्टेड ही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और वो अपने इस प्रोडक्ट को सिर्फ डॉलर में डील करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस सोलर रूफ टाइल्स में आपको क्या क्या चैलेंज देखने को मिलते हैं और ये कितना और प्रैक्टिकली ये कितना सफल आइटम है। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिकली तो ये एक सक्सेसफुल मॉडल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये रिलायबल भी है, और टेस्ला 25 इयर्स की वारंटी अपनी सोलर रूफ टाइल्स पे करता है। वारंटी कंडीशन में टेस्ला ने साफ साफ ये मेंशन किया है कि किसी भी ओले
पड़ने की स्थिति में या नेचुरल किसी भी दुर्घटना की स्थिति में वारंटी बार्ड हो सकती है, क्योंकि इसका जो फ्रंट सरफेस है वो ग्लास से बना हुआ है, बैक सरफेस जो है वो स्टील का बना हुआ है, तो बैक सरफेस तो डैमेज नहीं होगा पर फ्रंट सरफेस इसका डैमेज हो सकता है। मोटाई की मैं आपको बात बताऊं तो करीब 5 mm इस जो टाइल्स है इसकी मोटाई रहती है, तो आपका जो ट्रेडिशनल पैनल आप यूज करते हैं उसकी मोटाई करीब 2.5 से 3 mm तक होती है। तो सीधा सा ये है कि करीब आपके ट्रेडिशनल पैनल से जस्ट डबल जो मोटाई है वो इस सोलर रूफ टाइल्स में आपको देखने को मिलती है, तो स्ट्रेंथ वाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हर चीज के अगर कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इसका जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप एक शांति प्रिय व्यक्ति हैं और आपको बहुत ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है तो फिर ये जो सोलर रूफ टाइल्स है ये आपके लिए नहीं है। इसका रीजन ये है कि बारिश या बरसात के टाइम में इस सोलर टाइल्स पे जब बारिश पड़ती है या आंधी तूफान की स्थिति में तो ये जो टाइल्स हैं बहुत ज्यादा आवाज करती हैं, जिससे ऐसे लोगों को दिक्कत हो सकती है जो शांति प्रिय होते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो कॉस्टिंग है ट्रेडिशनल सोलर पैनल के मुकाबले करीब 5 गुनी ज्यादा कॉस्टिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इफिशियंसी की मैं बात करूं तो अधिकतम इफिशियंसी अभी टेस्ला ने 20% अचीव की है, पर मार्केट में आप 23% से भी ज्यादा इफिशियंसी के पैनल अभी आपको देखने को मिलते हैं। तो इफिशियंसी वाइज पैनल की इफिशियंसी उतनी ज्यादा नहीं है पर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लोग जो लेंटर का रिप्लेसमेंट चाहते हैं तो उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि उनके लेंटर का खर्चा वो कम हो रहा है। पर ऐसे लोग जिन लोगों को केवल सोलर पैनल लगाना है उनके लिए इसकी जो कॉस्ट है वो आउट ऑफ बजट हो जाती है। तीसरा जो डिसएडवांटेज है इसका वो ये है कि इस पैनल के जो इंस्टॉलेशन है उस इंस्टॉलेशन का खर्चा भी काफी होता है। तो $10 प्रति स्क्वायर फुट का इंस्टॉलेशन का चार्ज ही टेस्ला ने बताया है कि अगर इंस्टॉलेशन आप कंपनी से लेते हैं तो ₹10 स्क्वायर फीट का इसका इंस्टॉलेशन चार्ज होता है। तो इंस्टॉलेशन चार्ज प्लस अगर रूफ का आप चार्ज लगा लें तो करीब 30 से 35 रूप प्रति डॉलर पर स्क्वायर फुट का चार्ज हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली है। तो नॉर्मल एक व्यक्ति जिसको केवल सोलर पैनल की जरूरत है उसके लिए नॉन अफोर्डेबल आइटम है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा वो कौन कौन सी कंपनी है जो इस तरह के सोलर रूफ टाइल्स बनाती है। तो फ्रेंड्स, सन पावर जैसे कि आप जानते ही होंगे कि ये कैलिफोर्निया बेस्ड सोलर कंपनी है। सन पावर भी अपने सोलर रूफ प्रोडक्ट्स बनाती है जिसका नाम है सन पावर इक्विनॉक्स, और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो $30 पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग ये अपनी सोलर रूफ टाइल्स के लिए ऑफर करती है। दूसरी एक कंपनी है डाउ केमिकल्स एंड सर्टेन टीड, और ये कंपनी अपने डाओ सोलर रूफिंग के नाम से अपनी सोलर सनरूफ बनाती है, और इस सोलर रूफ टॉप टाइल्स का जो लुक है वो टेस्ला की सोलर रूफ टाइल से कहीं भी कम नहीं है। प्राइसिंग की बात करें तो करीब $25 पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग में आपको ये वाली सोलर रूफ टाइल्स मिल सकती है। तीसरा, टेस्ला की ही एक दूसरी यूनिट है सोलर सिटी, जिसको 2016 में टेस्ला ने खरीद लिया था। ये कंपनी भी इस तरह की टाइल्स बनाती है। चूंकि ये टेस्ला का ही एक दूसरा डिवीजन है तो लगभग $29 पर स्क्वायर फीट का इस कंपनी के बने हुए सोलर टाइल्स का रेट है। इसके अलावा गैप एनर्जी भी गैप सोलर सिंगल्स के नाम से अपनी सोलर रूफ टाइल्स बनाती है, और प्राइसिंग जो है 19% इफिशियंसी के साथ में इसकी प्राइसिंग करीब $22 पर स्क्वायर फीट की होती है। तो अगर ओवरऑल कंपनियों को आप कंपेयर करें तो गैफ कंपनी की जो सोलर रूफ टाइल्स हैं वो सबसे सस्ती आपको देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब आपका लास्ट सवाल होगा कि आखिर अगर आपको ये टाइल्स लगवानी है तो कहां से आपको मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आपको बताऊं कि टेस्ला से अगर आप ये रूफ टाइल्स लेना चाहते हैं तो टेस्ला में आपको ऐसा नहीं है कि आज ही आपने ऑर्डर किया और आज ही आपको मिल जाएगी। तो करीब 6 महीने तक की भी वेटिंग टेस्ला की रूफ टाइल्स पे अभी आपको देखने को मिलने वाली है। टेस्ला की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको टेस्ला से इस सोलर रूफ टाइल्स की प्री बुकिंग करानी पड़ेगी। अब दूसरे ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे ऑप्शन में भी अभी इंडिया में आपको किसी भी कंपनी का सोलर रूफ टाइल्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको ये टाइल्स चाहिए तो आपको ये इंपोर्ट करके ही मंगानी पड़ेगी। सोलर रूफ टाइल्स से रिलेटेड आपके दिमाग में जितने भी सवाल रहे होंगे सभी सवालों के आंसर देने की इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी कुछ सवाल आपके छूट गए हों तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, तो उन सवालों से रिलेटेड एक डेडिकेटेड नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।